ऑलराइट सही है, बाजवा टीवीएस ऑथराइज वर्कशॉप टीवीएस का आप देखोगे तो टोटल जो पार्ट्स चले हैं वो 4 पार्ट्स चले हैं उसका। अभी जो ये सर्विस हुई है ये सेकंड पेड सर्विस थी, जो कि इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि गाड़ी प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाती है। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और एक बार मैं बाइक का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडोमीटर पे 18971 किलोमीटर का रीडिंग ये शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि टाइम हो चुका है 7th सर्विस का। तो इसी के लिए आज हम टीवीएस के सर्विस सेंटर पे विज़िट करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है 7th पे सर्विस कराने के लिए, क्या कॉस्ट आने वाली है टोटल वो मैं आपको बता दूँगा, और क्या क्या पार्ट्स चेंज होने वाले हैं, कितना खर्चा आने वाला है। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी की डिटेल्स मैं आपको यार बहुत ही जल्द मैं इसका 20,000 किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा 20,000 किलोमीटर चलने पर इस बाइक का। इसके अलावा मैंने एक माइलेज वीडियो भी बनाने का सोचा है, वो भी आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ़ आने वाला है। इसके अलावा बाइक सर्विस के लिए जो अभी हम टीवीएस का सर्विस सेंटर विज़िट कर रहे हैं वो परबतगंज इंडस्ट्रियल एरिया में है, बाजवा टीवीएस के नाम से। इनफैक्ट वहाँ पे 2 हैं और देखते हैं हम लोग किसके ऊपर जाके अपना सर्विस कराने वाले हैं। पता नहीं कितना खर्चा आने वाला है, बाइक के अंदर कुछ ज़्यादा कमी नहीं है तो आई गेस जनरल ही सर्विस होगी, ऐसा कुछ पार्ट्स या कुछ डलने का नहीं है, बिकॉज़ कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। टाइम हो रहा है सुबह अभी 9:15 के आसपास, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपका बाइक सर्विस स्टेशन पे लग जाए तो फिर आपका काम जल्दी हो जाता है, वरना आपको कई बार रश होता है। सैटरडे का दिन वैसे ही आज तो पूरा दिन भी वेट करना पड़ जाता है। चलिए मिलता हूँ आपसे सर्विस सेंटर में और बताता हूँ आपको बाकी की डिटेल्स वहीं पर। ऑलराइट सही है, बाजवा टीवीएस ऑथराइज वर्कशॉप टीवीएस का, तो यहाँ पर सर्विस कराने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे एक एंटॉक खड़ी है, एक और एंटॉक खड़ी है, साथ में अपाची 160 खड़ी है, और ये अपनी बाइक मिला सर दोस्तों। तो यार ये है बाजवा टीवीएस का कस्टमर वेटिंग एरिया, और जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। कुशंस लगे हुए हैं कस्टमर्स के लिए बैठने के लिए, और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं वाटर डिस्पेंसर कूल एंड हॉट वाटर का आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्लस ये कॉफ़ी मशीन, टी कॉफ़ी मशीन भी लगाई हुई है। हमें टीवी के ऊपर एक मूवी भी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो इस चीज़ के लिए फुल ऑन मार्क्स हैं इनको मेरी तरफ से। तो ये कम्प्लीटली एयर कंडीशन लॉन्च है, और इसी के साथ में यहाँ पे सामने ग्लास लगा हुआ है जिसके थ्रू आप अपनी बाइक को सर्विस होते हुए देख सकते हैं। तो अभी मैं वर्कशॉप के अंदर आ चुका हूँ देखने के लिए कि टेक्नीशियन हमारी बाइक के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको तो पता है कि अंदर बैठे हुए मन मानता नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे स्क्रूज एंड बोल्ट्स खोले जा रहे हैं रेगुलर चेकअप्स और एयर फिल्टर वो सब चेक करने के लिए। तो कुछ ऐसी हालत थी अपनी बाइक की उस टाइम फ्यूल टैंक उतर जाने के बाद। अभी बाइक की चेन को चेक किया जा रहा है कि कहीं से लूज तो नहीं है, अगर वो लूज है तो उसको फिक्स किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को देखा जा रहा है फिलहाल। तो
तो ये फुटेज तब की है जब बाइक में ऑलमोस्ट सारा का सारा काम हो चुका था, जैसे इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, डिस्क पैड चेंज। सो राइट नाउ अभी जो ये लोग कर रहे हैं वो है इसका ECU अपडेट, और इनके हाथ में जो डिवाइस है टैबलेट, इसके थ्रू ये वायरलेसली ECU को अपडेट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि ECU अपडेट करते वक्त आप वहाँ पे हो, और अगर आपकी राइडिंग मोड्स वाली बाइक है तो आप इंश्योर करें कि टेक्नीशियन राइडिंग मोड यानी RM वाला ही बाइक सिलेक्ट करे करेक्ट वाली, वरना आपके राइडिंग मोड्स काम करना बंद कर देते हैं। ऑल राइट यार, तो सर्विसिंग हो चुकी है अपनी पूरी, और अभी आपको दिखा देता हूँ कि बाइक देखने में कैसी लग रही है। तो बेसिकली उन लोगों ने इसे ड्राई वॉश किया है, और जो कन्वेंशनल तरीका होता है डायरेक्टली पानी से धोने का, वो चीज़ का यूज़ नहीं किया है। बट ऑल राइट, सो अब डिस्कस कर लेते हैं कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा लगा है हमारा इस कम्प्लीट सर्विस को कराने में। तो मेरे सामने यहाँ पर बिल रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये कम्प्लीट इनवॉइस है। इसमें पर्टिकुलर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये स्पार्क प्लग यहाँ पे चेंज हुआ है, और इंजन ऑयल जो कि ऑब्वियस है डली गई, चेन क्लीनिंग, इंजन फ्लशिंग, फ्रंट शू ब्रेक, फ्रंट ब्रेक शू रिप्लेसमेंट, और थ्रॉटल बॉडी जो है वो क्लीन हुई है, जिसके थ्रू इंजन के अंदर फ्यूल सप्लाई होता है, तो उसको बेसिकली क्लीनर डाल के इन लोगों ने क्लीन किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टोटल खर्चा जो इन्होंने मुझे बिठाया है वो 2938 रुपये का बिठाया है, आप देख सकते हैं। तो यार 2938 रुपये का टोटल खर्चा इन लोगों ने मेरा बिठा दिया है। यार ये है पेमेंट की रिसीप्ट, इसको साइड में रखते हैं। तो यार 2938 रुपये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बिल बिठा दिया है। इनफैक्ट जो लास्ट सर्विस मैंने कराई थी वो भी 3000 रुपये के आसपास उसमें लग गया था। तो एवरी 3000-5000 के इंटरवल पे अगर आप सर्विस कराते रहते हो तो आपको 3000 रुपये देने ही पड़ेंगे। यार अगर आप कैलकुलेट करें तो 10000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको लगभग 9000 रुपये के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग पे आप कितना कॉस्ट आता है, कितना आप खर्च करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास 200cc की कोई भी बाइक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, वो है इनके लेबर चार्जेस। आप पेड सर्विस में करा रहा हूँ, 700 रुपये स्टैंडर्ड जो आप लेबर चार्ज ले रहे हैं, तो उसी में सब कुछ हो जाना चाहिए यार। अगर आप डिस्क पैड बदल रहे हैं तो उसके लिए अलग से लेबर चार्ज किया जा रहा है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से लेबर चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से बिल बढ़ा के बिठा दिया जाता है आपका, और सर्विसिंग कॉस्ट इस तरह से 3000-3500 रुपये बन जाती है। ठीक है, एनी हाउस देखते हैं हम नेक्स्ट सर्विस कहाँ से कराते हैं। बट फाइनली अपनी बाइक जो है वो सर्विस डन हो चुकी है, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है, और स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखोगे तो टोटल जो पार्ट्स चले हैं वो 4 पार्ट्स चले हैं, उसका प्राइस 1116 रुपीज़ है। लेबर चार्जेस देख लो यार, 5 तरह के इन्होंने मुझसे लेबर चार्जेस चार्ज किए, जिसका टोटल होता है 1340 रुपीज़। सर यही टोटल नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने 120.60 पता नहीं क्या क्या GST लगाया हुआ है, तो टोटली अराउंड आपका बैठ जाता है 1500 के अराउंड। 1500 रुपीज़ लेबर चार्ज देना जस्ट बेसिक सर्विस के लिए, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है इन माय ओपिनियन। अगर अभी जो ये सर्विस हुई है ये सेकंड पेड सर्विस थी, जो कि 7th सर्विस आप इसे बोल सकते हैं, और इसके पहले जो 6th सर्विस हुई थी उसका भी बिल मेरे पास है, जो कि 1st पेड सर्विस थी। और उसके अंदर भी देखिए कि यहाँ पे जो टोटल बिल आया था आपको दिख रहा होगा 3051 रुपीज़, और इसमें भी भर भर के लेबर चार्ज लिया गया है। तो यार इस तरह से अगर हर 3000 किलोमीटर पे 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो अगली बार सर्विस कराने जाने से पहले मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि वाकई सर्विस सेंटर में बाइक को सर्विस कराना वर्थ भी है। बाकी आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं दोनों बिल्स का एक स्कैंड कॉपी लगा दूंगा वीडियो के अंदर, जिसमें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में, अगर कुछ देखना चाहें अपने आप मुझसे कुछ छूट गया हो तो बिल के अंदर आपको दिख जाएगा। बाकी ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा यार कि इतना सर्विस कॉस्ट आपको जस्टिफाइबल लग रहा है, ये ज़्यादा है या फिर कम है, मुझे जैसा भी हो आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आगे और बनाने की कोशिश करता रहूँगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।